पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, अपना जो रिप्रेजेंटेट रिप्रेजेंट करते हैं आगे जाके। के ए डेमोक्रेटिक कंट्रीज टेक ऑफ इज द आइडिया ऑफ कंसेंट इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट कंसिडर्स द पार्टिसिपेशन। इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ने ये कंसिडर किया कि पार्टिसिपेशन डिज़ायर एंड अप्रूवल ऑफ पीपल बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन कोई भी फैसला लेने से पहले उनकी पार्टिसिपेशन उनकी डिज़ायर उनकी अप्रूवल ये जरूरी है बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन बट पीपल हैव डिसाइडेड क्रिएट्स ए डेमोक्रेटिक गवमेंट बट पीपल हैव डिसाइडेड लोगों ने क्या फैसला किया है ये क्रिएट करती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू फंक्शन और ये किस तरह से काम करती है फॉर द नेक्स्ट फाइव ईयर्स कैसे काम करेगी अगले पाँच सालों के लिए द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस फैक्ट इज दैट सिटीज़न इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन असली बेसिक आइडिया क्या है इसके पीछे असली सच्चाई क्या है कि सिटीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन है द गवर्नमेंट अलॉन्ग विद डिफरेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस नीड्स टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द इंडियन सिटीजन्स जो भी गवर्नमेंट है अलॉन्ग विद डिफरेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है इनको क्या ज़रूरी है इनका यकीन जीतना किनका इंडियन सिटीजन्स का इंडिवीजुअल प्रोवाइड्स हिज अप्रूवल टू ए गवर्नमेंट जो एक इंडिविजुअल है वो क्या देता है वो अप्रूव करता है अप्रूवल देता है गवर्नमेंट को वोट करने से बाई वोटिंग फॉर इट इन द इलेक्शन किस में वोट करता है वो इलेक्शन में अप्रूवल कौन देता है इंडिविजुअल किस को गवर्नमेंट को बाई वोटिंग फॉर इट इन इन द इलेक्शन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके वंस द रिप्रजेंटेटिव हैव बीन इलेक्टेड बाई द पीपल बिकम मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एक बार जो रिप्रजेंटेटिव चुना जाता है वो क्या बन जाता है वो मेबर बन जाता है पार्लियामेंट का शॉर्ट में उसे एम पी कहते हैं मेम्बर पार्लियामेंट वन ग्रुप म पीज कम्स टूगैदर टू फॉर्म ए गवर्नमेंट ऐसे ही एक ग्रुप जो एम पीज चुन के आते हैं मेम्बर पार्लियामेंट चुन के आते हैं टूगेदर मिल के वो गवर्नमेंट बनाते हैं द पार्लीमेंट इज मेड अप ऑफ ऑल द रिप्रेजेंटेटिवज पार्लियामेंट में कसब कौन होते हैं रिप्रेजेंटेटिव टूगेदर डू द जॉब ऑफ कंट्रोलिंग एंड गाइडिंग ए गवर्नमेंट जो क्या करते हैं सब मिलके क्या काम करते हैं कंट्रोलिंग का और गाइडिंग का किसको गवर्नमेंट को पीपल देयर चूजन एम पीस कंट्रोल द गवर्नमेंट एज वेल यहाँ पे क्या है पीपल जिनके जरिए एम पीस चुन के आगे आते हैं वो कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट को द रोल ऑफ द पार्लियामेंट क्या रोल है पार्लियामेंट का द इंडियन पार्लियामेंट वॉज क्रिएटेड आफ्टर नाइनटीन फोर्टी सेवन जो इंडियन का पार्लियामेंट है ये बन गई नाइनटीन फोर्टी सेवन के बाद द इंस्टीट्यूशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फेथ ये वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ फेथ विच द सिटीजन सिटीजन ऑफ इंडिया हैव इन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इट इज़ दिपेशन ऑफ सिटीजन्स ये पार्टिसिपेशन है सिटीजन्स की इन द प्रोसेस ऑफ डिशिजन मेकिंग जिसमें वो डेसीजन लेते हैं एंड गवर्नमेंट बाई देयर कंसेंट उनके फैसले से गवर्नमेंट बनती है उनकी कंसेंट से गवर्नमेंट बनती है सिंस द इंडियन पार्लियामेंट इज रिप्रजेंटेड बाई द

स्टेट लेजिस्लेचर में भी होती है ऑल दिटीजन्स ऑफ इंडियन इंडिया हुज एज इज मोर देन एटीन ईयर्स वो सब सिटीजन्स जिनकी एज अठारह साल से ऊपर है और एंटाइटल टू वोट वो वोट डाल सकते हैं करंटली अवर कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री कॉन्स्टिट्यूंसीज पाँच सौ हमारी कंट्री की कॉन्स्टिटुंसीज़ हैं मैं द इलेक्शन टेक्स प्लेस जब इलेक्शन होती है कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ टेक पार्ट इन इट जो कैंडिडेट्स हैं वो हर पॉलिटिकल पार्टी से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं और वो पार्ट किस में लेते हैं हर कॉन्स्टिटुएंसी से फ्रॉम ईच कॉन्स्टिटिटुंसी वंस ए कैंडिडेट विंस जब एक बार कोई कैंडिडेट जीत जाता है ही ऑटोमेटिकली गेट्स एंट्री इन टू द पार्लियामेंट जो कैंडिडेट जीत जाता है उसे ऑटोमेटिकली एंट्री कहाँ मिल जाती है पार्लियामेंट में हैंस द एम पीज़ आर द विनिंग कैंडिडेट्स जो एम पीज़ हैं मेम्बर पार्लियामेंट्स हैं वो विनिंग कैंडिडेट्स हैं हु बिलोंग टू डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज जो अलग अलग पोलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं वहाँ से आते हैं वन से कैंडिडेट गेट्स इलेक्टेड जब एक बार कोई कैंडिडेट चुना जाता है ही बिकम्स एन एम पीज टूगेदर दीज एम पीज़ कॉन्स्टिट्यूट द पार्लियामेंट ये क्या बनाते हैं ये सारे एम पीज़ मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पार्लियामेंट को दीज एम पीज नीड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ये अलग अलग फंक्शंस करते हैं च आर एज फॉलोज जैसे कि पहली क्या है टू सेलेक्ट द नेशनल पार्लियामेंट द प्रेजिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा प्रेजिडेंट पहले कौन होता है Prime Minister, president, पे प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट यहां पर प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे प्रेजिडेंट की बात हो रही है प्रेजिडेंट लोकसभा और from the फ्रॉम द इंडियन पार्लियामेंट वंस द लोकसभा गेट्स ओवर जब लोकसभा इलेक्शंस ख़त्म हो जाती हैं लिस्ट इज is prepared which हाउ how many MPs ईच political पार्टी हैज़ फिर लिस्ट बनाई जाती है जिसमें ये दिखाया जाता है कि हाउ many MPs हर एम हर, हर हर किसी पॉलिटिकल पार्टी में कितने एम हैं इफ़ ए पोलिटिकल पार्टी विशेज टू फॉर्म द यूनियन गवर्नमेंट अगर कोई गवर्नमेंट बनानी चाहती है इट नीड्स टू हैव ए मेजोरिटी ऑफ एम पीज़ इन द हाउस तो जो हाउस है इसमें जिसके मेंबर्स जिसके एम ज़्यादा होते हैं वो पार्टी गवर्नमेंट बना सकती है इट नीड्स टू हैव ए मेजोरिटी ऑफ़ मेम पीज इसमें क्या होना चाहिए इस पार्टी के पास मेजोरिटी होनी चाहिए एम पीज़ की देअर आर फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री एलेक्टेड मेम्बर्स इन द लोकसभा लोकसभा में फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री मेम्बर्स होते हैं आउट ऑफ दीज टू आर मैंशन मेम्बर्स फ्राम द एंग्लो इंडियन कम्यूनिटी इन में से दो मैंशन किए जाते हैं मम्बर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से टू फॉर्म ए गवर्नमेंट गवर्नमेंट बनाने के लिए अ पॉलिटिकल पार्टी नीड्स टू हैव एट लीस्ट हाफ ऑफ द सीट्स गवर्नमेंट बनाने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी के पास तकरीबन फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री का हाफ नीड्स टू हैव एट लीस्ट हाफ ऑफ द सीट्स हाफ सीट्स होनी चाहिए इस पे इसके पास दैट इज़ टू हंड्रेड सेवेंटी टू और मोर मेंबर्स शुड बी फ्रॉम दैट पार्टी कम से कम टू सेवेंटी टू या इससे ज़्यादा द पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द हाउस प्लेज द रोल ऑफ अपोजिशन जिसके पास इस जीती हुई पार्टी के बाद पार्ट, जिस पार्टी के पास ज़्यादा मेम एम पीज होते हैं वो पार्टी अपोजिशन में अपोजिशन में बैठती है पार्टी अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी किसके अपोजिशन में रूलिंग पार्टी के जो पार्टी फुल फ्लैज जीत कर आती है आफ्टर दैट सेकेंड नंबर पे जिस पार्टी की ज़्यादा सीट्स होती हैं वो अपोजिशन में बैठती है सेलेक्टिंग एंड एग्जीक्यूटिव इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा दिस एग्जीक्यूटिव इज़ ए ग्रुप ऑफ एम पीज़ ये ग्रुप ऑफ़ एम पीज़ होते हैं वो वर्क टूगेदर जो एक साथ काम करते हैं टू इम्प्लीमेंट द पार्लीमेंट्स लॉज इन डिफरेंट वेज अलग अलग तरीकों से इम्प्लीमेंट हो जाते हैं पार्लीमेंट के लॉज कानून द टर्म एग्जीक्यूटिव ऑलवेज कम्स टू माइंड वन वई यूज़ द वर्ड गवर्नमेंट जब ये टर्म एग्जीक्यूटिव आ जाती है ये यही दिखाता है हमारे माइंड में यही आ जाता है माइंड में व्हेन वी यूज़ द वर्ड गवर्नमेंट जब हम गवर्नमेंट वर्ड यूज़ करते हैं द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा जो लीडर होता है रूलिंग पार्टी का लोकसभा में इज़ द प्राइम मिनिस्टर वो क्या होता है प्राइम मिनिस्टर पीएम